संबल जनपद ऑक्सीजन की किल्लत से मौत से जूझ रहे किसानों के लिए डीएसएम शुगर मिल ने सराहनीय पहल की है। शुगर मिल प्रबंधन ने मिल परिसर में किसानों के लिए फ्री ऑक्सीजन बेड सुविधा वाला असमोली सीएससी में स्थायी हॉस्पिटल शुरू किया है। इस हॉस्पिटल में किसानों को फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने के साथ ही कोरोना संक्रमण से पीड़ित किसानों को प्राथमिक जाँच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। संबल जनपद के असमोली क्षेत्र में डीएसएम मिल प्रबंधन के संजय शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि कोरोना संकट काल में मिल प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में कोरोना पीड़ित किसानों की मदद के काम करें। अपनी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए मिल प्रबंधन ने मिल परिसर में फ्री ऑक्सीजन बेड सुविधा से युक्त असमोली सीएससी में स्थायी हॉस्पिटल तैयार किया है। इस अस्थायी हॉस्पिटल को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग असमोली सीएससी पर तैनात डॉक्टर सौवीर सिंह और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की मदद ली गई है। मिल परिसर में तैयार इस स्थायी हॉस्पिटल में किसानों को फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। कोरोना संक्रमण आशंकित किसानों को प्राथमिक जांच भी इस हॉस्पिटल में हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज हॉस्पिटल में 3 किसानों को एडमिट किया गया है जिन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। असमोली क्षेत्र में फ्री ऑक्सीजन बेड वाले 4 सेंटर खोले जाने की और तैयारी की जा रही है। भाई जैसा धामपुर ये अपनी असमोली चीनी मिल का हमेशा से प्रयास रहता है कि किसानों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए जो भी सुविधा हम उपलब्ध करा सकें किसी भी कठिन परिस्थितियों में, ये हमारा सदैव प्रयास रहता है। जैसा कि है ही है, आजकल कोविड महामारी बहुत बुरी तरह से फैल रही है, पूरा देश ही इससे अफेक्ट हो रहा है। इस वक्त जो प्रबंधक तंत्र ने महसूस करा कि सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त केवल ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण हो रही है, उसी को सोचा गया कि इसको अपने क्षेत्रवासियों के लिए कैसे सुविधा इसकी दी जाए। बड़ा मुश्किल था कि इस वक्त इसका इंतजाम करना, लेकिन किसी तरह से हमने कुछ कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज करे और उनको यहाँ लगाया गया है। प्लस उसके अलावा जिनकी थोड़ी सी ऑक्सीजन और कम है उसके लिए हमने 2 सिलेंडरों का 3 सिलेंडरों का इंतजाम भी करा गया 3 बेड के लिए, और इसको हम जारी रखेंगे। इसी की सफलता अगर हमें इसमें मिलती है हमारे प्रयास में, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले एक आध हफ्ते में ही हम इस तरह के सेंटर अपने क्षेत्र में, जो हमारा कमांड एरिया है गन्ने का, उस क्षेत्र में कम से कम 4 सेंटर इस तरह के और स्थापित करें जिससे सबको इस तरह की सुविधा मिले। इसके अलावा अभी हमारा प्रयास चल रहा है, हम प्रयासरत हैं कि इससे संबंधित कुछ मिनिमम जांच जो ब्लड की करानी पड़ती है, वो डॉक्टर साहब हमारे सिंह साहब का बड़ा सहयोग रहा है सीएससी के आके, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश कराने में, उन्हीं के माध्यम से जो वो रिकमेंड 1-2 रिकमेंडेड जाँच जो जरूरी होती है वो रिकमेंड करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम क्या छूट उपलब्ध करा सकते हैं क्षेत्रवासियों के लिए जांच के ऊपर, क्योंकि थोड़ी महंगी जांचें हैं, तो वो भी हम प्रयास में हैं कि कितना उसमें हम छूट दे सकते हैं। वो भी आजकल में 1-2 दिन में हम अपना डिसीजन ले करके वो भी चालू कराएंगे। तो मेरा कहना यही है क्षेत्रवासियों से कि इसका जो इस सुविधा दी गई है इसका लाभ उठाएँ, और सीएससी के सिंह साहब, डॉक्टर साहब जो हमारे साथी हैं, और उनको वो अपने जो जाँच या दवाइयाँ लिखे हैं उसका पूरी तरह से पालन करें, और इस महामारी को हम लोग सब मिल करके इस पर जीत प्राप्त कर ही लेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। कितने बेडों की सुविधा दी गई? ये बेड हमारे अभी 7 बेड की सुविधा इसमें अभी करी गई है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पर 2-3 बेड यहाँ और अभी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम कंसंट्रेटर का और इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ये भी बहुत मुश्किलों से अरेंज हुए हैं। इससे पहले तो यहाँ बेड की कोई व्यवस्था थी नहीं? नहीं, यहाँ बेड की व्यवस्था जो करी गई है वो डॉक्टर साहब ने बड़ा सहयोग करा है इस पर, सीएससी में सारी व्यवस्था उन्होंने यहाँ बेड वगैरह की कर दी है हमारी। 4 बेड की थी पहले से, क्या था फिलहाल? हाँ, ऑक्सीजन बेड की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो अभी डॉक्टर साहब ने करवाई है और बेड वगैरह उपलब्ध करा दिए हैं, और यहाँ का स्टाफ भी हम बड़ा सहयोग कर रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, और हम सब मिल करके आपस में इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ। जो ऑक्सीजन की उपलब्धता और यहाँ पे मतलब जो भी इन्होंने मतलब हमने 7 बेड दिए पूरा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह लगा के यहाँ के क्षेत्रवासियों को ऑक्सीजन की सुविधा के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो सीएससी पे पहले ऑक्सीजन की कोई उपलब्धता नहीं? हाँ, पहले ऑक्सीजन की कोई उपलब्धता नहीं थी, लेकिन जो डीएसएम शुगर मिल वालों ने
बहुत ज़्यादा मतलब अपना प्रयास करके इन चीज़ों को यहाँ पे लगाया है। फिलहाल कितने मरीज हैं भर्ती? फिलहाल अभी हमने अर्ली मॉर्निंग में ही ये स्टार्ट किया है, दो मरीज़ हमारे पास हैं।